सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। सुना ही होगा आपने ये गाना। उस सनम की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में तमाम लोगों के साथ अपनी अदायगी से, अपने हुस्न से इस तरह केमिस्ट्री बनाई कि बॉलीवुड के रंगमंच पर और इस रंगीन दुनिया पर सालों सालों तक राज किया। 80 साल की उम्र में आज वो लेजेंड एक्ट्रेस किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रही है, बात करेंगे हम एक्ट्रेस वाहिदा रहमान की, जिन्होंने फिल्म प्यासा सीआईडी गाइड, जी हाँ प्यासा सीआईडी गाइड से अलावा पत्थर के सनम जैसी फिल्मों में अपनी जबरदस्त अदायगी से लोगों को अपना बना लिया था। बात करेंगे हम उस एक्ट्रेस की जिन्होंने 50 के दशक से, जी हाँ साल 1950 से शुरू, साल 1960 से लेकर 70 के दशक तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में खूब राज किया, अपने फिल्मी अंदाज से, अपने डांस से और अपने टैलेंट से, जिन्होंने तमिल, तेलुगु, बंगाली से लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया, जिनका नाम बॉलीवुड में आज शान से लिया जाता है। बात करें हम वहीदा रहमान की, जिन्होंने चांदनी जैसे अपने रूप से, अपने भरतनाट्यम वाले डांस से, जबरदस्त एक्टिंग से सबको अपना बनाया था। कैसी है वहीदा रहमान की आज की जिंदगी, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना मुकाम अपने टैलेंट से हासिल किया, जिन्होंने बॉलीवुड के इतिहास में टैलेंटेड अभिनेत्री के तौर पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। लेजेंड एक्ट्रेस वहीदा रहमान का एक ऐसा रूप सामने आया है फिलहाल का जो आपको थोड़ी देर के लिए हैरान कर दे। नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति वहीदा रहमान से जुड़ी कुछ बेहद ही दिलचस्प बातें आपको बताने वाली हूँ। इसी के साथ देने वाली हूँ आपको जानकारी वहीदा रहमान की निजी जिंदगी से जुड़ी। तो जानेंगे हम कैसी रही वहीदा रहमान की फिल्मी सफर और कैसी रही उनकी जिंदगी जो बॉलीवुड के पर्दे से काफी अलग रही है। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 3 फरवरी साल 1938 में विजयवाड़ा में जन्म लेने वाली, आंध्र प्रदेश के उस विजयवाड़ा में जन्म लेने वाली एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं जिन्हें लेजेंडरी कहा जाता है। 80 साल की हो चुकी है वाहिदा रहमान, जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अपनी नजाकत, अपनी भोली सी सूरत से बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज किया। जी हाँ, 5 फुट 4 इंच की वाहिदा रहमान, जिनकी खूबसूरती ने हमेशा लोगों को उनकी तरफ आकर्षित किया। किस्सा काफी मशहूर रहा है कि वाहिदा रहमान की प्रोफेशनल लाइफ जितनी रंगीन थी, पर्सनल लाइफ में भी काफी उथल पुथल मच गए थे। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी रंगीन और दिलचस्प किस्सों से भरी रही है। आखिरी बार फिल्म रंग दे बसंती में अजय की मां के किरदार में नजर आई एक्ट्रेस वाहिदा रहमान ने साल 2006 के बाद फिल्मों से थोड़ी दूरी बना ली है, जिन्होंने इससे पहले 15 पार्क एवेन्यू, मैंने गांधी को नहीं मारा, ओम जय जगदीश, स्वयं लम्हे, चांदनी, सिंहासन, अल्लाह रखा, सनी, मकसद, शारदा, मशाल, कूली, महान, प्यासी, हिम्मत वाला, धर्म काटा सवाल, नमकीन, नमक हलाल, ज्वालामुखी, ज्योति बने ज्वाला, त्रिशूल, अदालत, पत्थर के सनम, नील कमल, प्रेम पुजारी, राम और श्याम, दर्पण, तीसरी कसम, गाइड, कोहरा से लेकर राखी, रूप की रानी, चोरों का राजा, काला बाजार, कागज के फूल, सोलवा सावल से लेकर प्यासा जैसी मूवी से बॉलीवुड में खूब पहचान बनाई। साल 1957 में प्यासा फिल्म में गुलाबों के किरदार से हिंदी फिल्म जगत में एंट्री करने वाली वहीदा रहमान ने अपने डेजलिंग स्टार वाले अवतार से सिल्वर स्क्रीन पर खूब राज किया, जिन्हें हमेशा से देखा गया फिल्म इंडस्ट्री में एक मिसाल के तौर पर, जो कि लेजेंड गुरुदत्त के साथ अपने अफेयर को लेकर भी खूब चर्चा में रही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से नवाजी गई थी
वहीद रहमान अपने समय में जिन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया, तमाम अवार्ड्स अपने नाम किए, उनकी फिल्में किससे भी काफी मशहूर रहे। फिल्मों के बारे में हमेशा से खुलकर बात करने वाली वाहिदा रहमान ने गुरुदत्त के साथ अपने एक्सपीरियंस को भी साझा किया था। जब वो न्यू कमर थी, गुरुदत्त के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए उन्हें गुड डायरेक्टर स्पेशली फॉर न्यू कमर्स बताने वाली वाहिदा रहमान ने अपने साथ उनके कंफर्ट जोन को खोलकर शेयर किया था, जिनका नाम गुरुदत्त के साथ अफेयर के किस्सों में खूब दर्ज हुआ था। आपको ये जानकर होगी हैरानी, लेकिन गुरुदत्त के साथ उनकी मोहब्बत के किस्से की बात की जाए तो काफी अनोखा लेकिन दर्द भरा रहा। साल 1953 में, जी हाँ, साल 1953 में गुरुदत्त का गीता राय संग शादी तो हुई, लेकिन वहीदा रहमान के साथ उनकी जिंदगी में मोहब्बत का किस्सा कुछ ज्यादा ही मशहूर हुआ, जो कि हमेशा के लिए वहीदा रहमान के प्यार में पड़े रहे। आखिर में वहीदा का साथ तो उन्होंने ही मिल पाया, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत के दीप को कभी पूछने नहीं दिया था। फिल्म प्यासा के जरिए दोनों काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से बॉलीवुड में अपने रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार थे। दोनों की बात की जाए तो साहिब बीबी चौधरी का चांद गुलाम में साथ काम किया, जिसके बाद दोनों को खूब पसंद किया गया। बता दें आपको, गुरुदत्त के साथ वाहिदा की जिंदगी काफी उलझ गई थी। हालांकि जिनके प्यार को कभी मंजिल नहीं मिला, उनका प्यार बॉलीवुड में हमेशा अधूरे प्रेम कहानी के किस्सों में मशहूर होता रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 80 साल की वाहिदा रहमान के बारे में एक सच काफी ज्यादा चौंकाता है इंसान को, किसी भी इंसान को, कि उनका पति बनकर उनके घर जबरन घुस आया था एक ऐसा शख्स जो उनका फैन था। जी हाँ, ये खबरें काफी वायरल हुई थी कि उन्हें 10 से पन्नों के चिट्ठी के साथ उनसे शादी के फरमान को रखकर अपने प्यार को जताने आया था एक फैन। वाहिदा ने उस वक्त उस चिट्ठी पर गौर नहीं किया, जो बाद में उन पर भारी पड़ गया था। हालांकि वहां उनके साथ मौजूद काम करने वाले ने उन्हें घर पर वाहिदा से मिलने तो नहीं दिया, लेकिन बाद में वाहिदा ने काफी सीख ली और फैन के चिट्ठी को अच्छे से पढ़ने का सलाह लिया और उन्होंने कभी भी उन चिट्ठी को इग्नोर ना करने का फैसला किया। और कुछ इसी तरह से वाहिदा रहमान बॉलीवुड इंडस्ट्री में खूब रास करती नजर आई, जिन्होंने 50 के दशक से बॉलीवुड में करियर की शुरुआत करने के बाद 70 के दशक तक खूब राज किया, जिसके बाद आखिरकार वो कई सालों से बॉलीवुड से दूर होने के बावजूद बॉलीवुड इंडस्ट्री की जान पहचान और शान बनी हुई है। आज का हमारा खास प्रोग्राम आप सभी की फेवरेट हीरोइन वहीदा रहमान से जुड़ी। वो वहीदा रहमान जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक अलग ही लेवल पर ले जाने के लिए फिल्मी अभिनेत्रियों के लिए इंस्पिरेशन तय किया, अपने मुकाम से लाखों हसीनाओं को नई राह दिखाई, डांस को अपना पैशन और एक्टिंग करियर को अपनी जिंदगी मानने वाली वहीदा रहमान कितनी अलग, कितनी अनोखी थी, कितनी टैलेंटेड थी, देखा आपने, जो काफी ज्यादा बदल चुकी है। 80 साल की उम्र में वहीदा रहमान का चेहरा कितना बदल चुका है, उनका रंग रूप किस तरह बदल चुका है, ये आपने देख ही लिया। उसी के साथ हमने आपको बता दिया वहीदा रहमान की निजी जिंदगी से जुड़ी उस रहस्य के बारे में जो आज भी लोगों को यकीन करने के लिए काफी मुश्किलें देता है। वक्त आ गया इसी के साथ इस प्रोग्राम यानी कि आज के इस स्पेशल एपिसोड का यहीं दिन करने का। फेमस सेलिब्रिटी को लेकर फिर लौटेंगे आपके बीच नेक्स्ट 9 न्यूज के एक और खास प्रोग्राम में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहें आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। और अगर आपको पसंद आया है वहीदा रहमान की फिल्मी सफर से जुड़ा ये प्रोग्राम तो कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड की हर अपडेट के साथ हमेशा आप जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।